हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे जितने भी मेरे कुशन है सब हटा के सोफा को अच्छे से झाड़ दे रही हूँ। और ये सोफा दिन भर में दो तीन बार सफाई होते रहता है, इस तरह से मैं दो तीन बार तो कर ही लेती हूँ हटा के, क्योंकि बैठने के बाद जब उठने से ना एक स्क्रीच पड़ जाता है इसके ऊपर, तो फिर से मुझे करना पड़ता है। और ये मैं ले आके यहाँ रख दी, तो इसका जल मैं बदल देती हूँ और दो तीन दिन बाद मैं बदल देती हूँ। तो इसमें रियल फ्लावर नहीं रहते, इसीलिए दो तीन दिन बाद चलता है। रियल रहता तो डेली बदलना पड़ता, क्योंकि फ्लावर जो है ना नेक्स्ट डे ही ख़राब हो जाते हैं। तो फेक फ्लावर का एक फ़ायदा ये भी है, तो दूसरे तीसरे दिन बाद में, तो आज लग रहा है तीसरा दिन है इसका। मैं जल बदल दी और थोड़ा फूल उल को धो दी, और इसमें ये बॉल इतने प्यारे लगते हैं ना दोस्तों, क्रिस्टल जैसे लुक आते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं ना। तो इस रूम को भी ठीक ठाक कर देती हूँ। तो अभी बेडशीट ठीक कर दिए थे और बस इससे एक बार इसी तरह झाड़ना रहता है। बहुत अच्छा है दोस्तों ये, तो सोफ़ा बेड इतना अच्छा इससे साफ हो जाता है ना। तो इसका जगह ये है, बस इस साइड में मैं रख देती हूँ। तो नीचे का यहीं पे रहता है, ऊपर का ऊपर में रहता है। और यहाँ पे हो गए हैं सूखे पत्ते ये बैम्बू वाले प्लांट में, तो चलिए इसे साफ कर देती हूँ। और इसमें देखिए दोस्तों कितना सुंदर इसमें रूट आ गया है। दो वैरायटी है बैम्बू प्लांट के, ये है और एक ये वाला। इसके ग्रीन लीफ हैं और उसमें एक पैटर्न है वाइट, इसमें भी आ गया है रूट। और जितने भी ये सूखे पत्ते हुए हैं इसे जाके डस्टबिन में डाल देती हूँ। और यहाँ पे तो हो गया डस्टिंग। यहाँ से ये डाइनिंग टेबल और यहाँ पे ये, तो कॉर्नर में लाइट काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो थोड़ा ब्रेक लेके पी लेते हैं चाय। इसके बाद अभी दोनों स्कूटी को बढ़िया से पोंछ के धोएंगे, सब बढ़िया से अच्छे से फ्लोर व्लोर सब। और बिल्कुल भी जिस दिन रहते हैं घर में मुझे पहले ही बोल देते हैं मैडम धोना नहीं, मैं धोऊंगा। तो इनको भी बहुत मन लगता है ये सब प्लांट को पानी देना और ये सब धोना। तो चलिए, तो ये चाहिए था प्लास, मैं जाके दे दी। और इधर मेरा बेटा बना रहा है मैगी, तो आज इसकी स्कूल छुट्टी है और बेटी भी है, तो दोनों को मैगी खाने का मन कर रहा है। तो मैगी का पैकेट में बस चार ही था, तो चार से क्या होगा, मुझे तो ब्रेकफास्ट बनाना ही पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा मैगी हो जाएगा। और मेरा बेटा बहुत अच्छा बनाता है, और मैं बोली मैं थोड़ा सा सूट करूं, तो बोल रहा है कि साइड से करिए, मेरा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो मैगी बन गया और मैं इसे निकाल देती हूँ गर्मा गर्म, बहुत ही अच्छा लगता है मैगी तो गरम गरम ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो चार जगह मैं निकाल देती हूँ, और अभी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। तो बेटी पहले से ही बोली है मुझे भिंडी का भुंजिया और इसके साथ रोटी पराठा, जो आपको अच्छा लगे बना दीजिएगा। तो मेरे जितने भी डस्टिंग क्लीनिंग के काम थे करके मैं जल्दी से शावर ले ली और मंदिर में पूजा कर लेती हूँ।
तो कभी कभी ब्रेकफास्ट करके भी पूजा कर लेती हूँ दोस्तों, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं मंदिर में दिया ना जलाऊँ। मैं मंदिर में दिया और बाती ज़रूर जला देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और किसी दिन अगर ब्रेकफास्ट नहीं किए रहते हैं, कुछ भी खाली पेट रहते हैं, तो उस दिन तो बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ, बहुत मन भी लगता है उस दिन, अंदर से खुशी होती है। तो आज तो मैं कुछ ना कुछ खा ही ली थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहाने के बाद मंदिर में दिया और एक बाती जलाना बहुत ज़रूरी होता है, मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है। और चलिए, ये फ्रूट्स मैं नहीं खाई थी, तो भिंडी को मैं धो के थोड़ा पानी के साथ रख दी हूँ और ये फ्रूट्स खा लूँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी भिंडी का भुजिया। तो एक ही बार मैं भिंडी और प्याज ये कट कर ली हूँ और थोड़ा तेल डाल करके, पचफोरन डाल के और भिंडी का भुजिया बना लूँगी। भुंजिया भी हो रहे हैं, इसके साथ में आटा गूंद लेती हूँ। कभी तेज कभी धीमा करके मैं ये भिंडी का भुंजिया बना लेती हूँ। तो बीच में ढकी थी, इसके बाद मैं खुला ही बना रही हूँ, नहीं तो फिर एक पानी पानी जैसा लाल लड़ जैसा हो जाता है। तो भिंडी का भुंजिया थोड़ा खुला ही मैं भूंज लेती हूँ, सही रहता है और हल्का एक ग्रीन कलर जैसा रहना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा भिंडी का भुंजिया मैं नहीं भूनती हूँ, थोड़ा सा हल्का ही अच्छा लगता है। चलिए, तो अब मैं पराठा बना के जल्दी से जाके बच्चों को दे देती हूँ। तो ये नारियल फिर से आ गया था, जिसका मुझे फिर से बनाना था गुजिया। तो यहाँ पे मैं नारियल को कद्दूकस करके इसे अच्छे से भून लेती हूँ, चीनी डाल करके और इलायची। और इधर भून रहे हैं, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो बीच बीच में इसे चलाना भी पड़ रहा है और जितना भूनूंगी ना उतना अच्छा बनता है। तो इधर आटा देखिए गूंद के रख दी। अब नारियल को मैं अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ। तो थोड़ा पानी पानी जैसा है ना, तो इसे थोड़ा सा सूखा सूखा जैसा करना होगा। तो भूनते 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 काफ़ी अच्छा भी है, ड्राई हो गया है, ड्राई ड्राई जैसा लगने लगा, तो एकदम ये अभी परफेक्ट बना है स्टफिंग। तो चलिए, अब मैं ये तेल को डाल देती हूँ, रिफाइंड ऑयल बहुत कम था तो भर देती हूँ। अभी इसमें बहुत ऑयल है, तो इस तरह से टेक लगा के मैं रख दे रही हूँ, तो एक दो बूंद जो भी है रहेगा इसमें ना, इसमें निकल जाएगा। एक किलो मैदा का मैं बना रही हूँ गुजिया और बेटी को ये ले भी जाना है, तो दोनों को बहुत पसंद है, बेटा बेटी दोनों को गुजिया इतना पसंद है कि बस हर अभी तो फ़िलहाल जब से मतलब मैं कंटिन्यू लग रही, तीसरे बार मैं बना ली। तो थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ और इसे मैं डालते जा रही हूँ। तो अभी बेटा आ गया मेरा और देखिए खुद बनाया है ये और बोल रहा मैं डालूँगा। तो मैं बोली मैं तुम्हारा वीडियो बना लेती हूँ, तो बोल रहे नहीं मैं भाग जाऊँगा मम्मा प्लीज़ नहीं बनाइए। तो ये थोड़ा सा फिंगर ले सकता है, तो देखिए बेटा का मेरा ये फिंगर आ रहा है, कितना प्यारा बनाया है ना इसे, बहुत सुंदर बनाती है इसे, सब में बहुत मन लगता है, बहुत मन लगता है इसको। तो इतना गुजिया बन के रेडी हो गया, तो देखिए कल तक ही चलेगा ये। तो ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी हो गया था, तो लंच का जो टाइम था वो थोड़ा सा लेट से मैं लंच बना रही हूँ, मतलब कि दोस्तों ये डिनर ही समझ जाइए। तो ये 5 बजे मैं किचन में आई हूँ और ये मैं बना रही हूँ मशरूम और इसके साथ बना लूँगी गोविंद भोग चावल।
क्योंकि मैगी, फिर फ्रूट्स, उसके बाद पराठा और ये भिंडी का भुंजिया खा लिए थे ना, और फिर मैं गुजिया बनाने लगी तो वो भी बच्चे खाए, तो खाने के बाद ये सब ऑयली मन नहीं करता है। यहाँ पे मैं मसाला भी रेडी कर ली हूँ और इसमें लहसुन डाल दी हूँ, प्याज कट कर ली हूँ और ये टमाटर डाल करके मैं थोड़ा सा लाल कर लेती हूँ। आज इसमें कैप्सिकम डालूंगी थोड़ा, इसलिए मैं भून करके पहले निकाल ली हूँ और इसे मैं लास्ट में डालूंगी उतारते समय। इधर कुकर में मैं गोविंद भोग चावल को धो के बैठा देती हूँ मैं, और इसी समय मैं सब डाल दे रही हूँ इसमें, कसूरी मेथी, गरम मसाला सब डाल के, भून भून के मसाला डाल के धीमे धीमे इसमें छोड़ दूँगी बस। तो इतना ज़्यादा हो गया था ना, मैगी, फ्रूट्स, फिर पराठा, भिंडी का भुंजिया और ये सब बना लिए थे, गुजिया, ये सब खाते हुए थे, एकदम किसी को भी मन नहीं किया खाना खाने का। तो सब कोई बोले कि मम्मा लेट से खाएंगे, तो मैं भी सोची कि ठीक है इतना बनाया तो मन नहीं किया तो बनाते। फिर दोस्तों क्या बताऊँ, 4 बज गया था मुझे, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आई फिर से और ये मैं सोची कि अब बना लेती हूँ, क्योंकि हबी को फिर 6:30 या 7 बजे के पहले ही खाना बोलते हैं कि रात का डिनर कर लेना है लेट से नहीं, तो अभी बनाते बनाते तो आराम से 6:30 बज जाएंगे और इसके बाद बन जाएगा, फिर मैं सांझ बत्ती दिखाऊंगी, फिर इसके बाद ही खाएंगे। तो इसे मैं ढक दूंगी धीमे आंच में, पकते रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज स्माइल।